नमस्कार, मैं शुभ किरण, सहायक आचार्य EFM। आज हम BCOM पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर प्रथम राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण के यूनिट संख्या 5 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अपना चैप्टर है राजस्थान में लघु व कुटीर उद्योग, जो कि अपना टॉपिक है राजस्थान में लघु उद्योगों के विकास के सरकार के कौन कौन से कार्यक्रम हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें लघु उद्योग में मैंने आपको बताया प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ रुपये का जो निवेश हो वो लघु उद्योगों में माना जाता है। तो लघु उद्योगों में प्लांट मशीनरी में 1 करोड़ रुपए का निवेश मैंने आपको बताया, जिसमें उत्पादन सेवा क्षेत्रों में सम्मिलित है। राजस्थान में लघु और कुटीर उद्योगों का भी एक विशेष महत्व है रहा है, जिसमें सन 2013-14 में रजिस्टर्ड लघु इकाइयों की संख्या 3.92 लाख से बढ़कर 2014-15 में 4.16 लाख कर दी गई। तो इस प्रकार राजस्थान में लघु कुटीर उद्योगों में सरकार के द्वारा भी विभिन्न प्रकार के प्रयास कर रही हैं, विभिन्न प्रकार के फंडिंग कर रही हैं, जिसमें विनियोजित पूंजी भी लगभग 20,120,182.46 करोड़ रुपए की सरकार के द्वारा अनुदानित राशि दी जा रही है, जिससे उनके विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन रहा। औद्योगिक देश में समग्र विकास को प्रोत्साहन करने के लिए महत्वपूर्ण तरीकों के रूप में निरंतर प्रयासरत रही है, जो कि एक सहायक तरीके से औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भी उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए उनका विस्तार एवं विभिन्न आवश्यकताओं के राज्य के विभिन्न विभाग द्वारा एक उत्तरदायी रहे हैं। तो इस प्रकार लघु और कुटीर उद्योगों में भी एक अहम भूमिका रही है सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं में, इस प्रकार से क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रथम योजना की हम बात करें, जिसमें सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्योगों का ज्ञापन है, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों का ज्ञापन एक सरकार के द्वारा अहम भूमिका का रहना है, जिसमें लघु सभार सरकार के द्वारा भी विभिन्न प्रकार के आयाम दिए गए, जिसमें 18 सितंबर 2015 के रूप में 15 से इसको प्रारंभ भी किया गया। एक औद्योगिक उद्यमिता का ज्ञापन, औद्योगिक उद्यमिता का ज्ञापन, औद्योगिक उद्यमिता के ज्ञापन में भी इसकी अहम भूमिका रही, जो राज्य के वहद एवं मध्यम उद्योगी स्थापना के लिए भारत सरकार ने लगभग 2015 तक 57 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिसमें 6,258 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश में प्रस्तावित की गई है। एक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रमों के रूप में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका, जिसमें लोगों को रोजगार के लिए प्रोत्साहन मिला है और इसमें लगभग 769 व्यक्तियों को इस योजनाओं में एक अहम भूमिका के रूप में एक सक्षम उद्यमिताओं के रूप में ऋण भी उपलब्ध करवाया गया है, जिससे उद्योगों को बढ़ावा मिल सके, इसके माध्यम से लोगों को रोजगार का सृजन हो सके। तो 279 उद्योगों को इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से है औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर भी इसमें क्रियान्वित है, औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर, औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर में सरकार के द्वारा भी विभिन्न प्रकार के प्रयास कर रही है प्रोत्साहन शिविर के माध्यम से, जिसमें उद्योगों को निरंतर बढ़ावा देने के लिए, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जनता में एक औद्योगिक स्थापित किए, जिसमें नियमों की जानकारी के लिए जिला स्तर पर पंचायत स्तर पर इन शिविरों का क्रियान्वयन किया जाए। तो जिस सितंबर 2015 तक 28
जिला स्तरीय 174 पंचायत समिति में 28, जिला स्तर 174 पंचायत समिति में इस योजना को अहम रखा गया है। चर्म उद्योग में भी सरकार ने एक अहम प्रयास किए गए हैं। चरम उद्योग भी एक सहायक तरीके से क्रियान्वयन किया जा रहे हैं, जिसमें रंगाई चरम सुधार को 2015-16 में लगभग 195 व्यक्तियों को इसमें लाभान्वित या लाभ भी मिला है। अगला हथकरघा उद्योग भी एक अहम तरीके से क्रियान्वयन किए जा रहे हैं, जिसमें महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना इसमें शुभारंभ की गई थी। महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना में जनता को विभिन्न तरीका का लाभ भी दिया गया। एक मानव संसाधन विकास सातवां है, मानव संसाधन विकास संस्थान के द्वारा भी सरकार निरंतर प्रयत्न कर रही है, जिसमें उद्योगों को के विकास में भी अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया गया है। तो इस प्रकार राजस्थान में उद्योगों के विकास में मानव संसाधन विकास संस्थान का भी एक अग्रणी तरीके से, जिसमें लगभग 862 बुनकरों को क्या किया गया है, लाभ प्रदान किया गया है। तो इसमें SRDC में लगभग 2000 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। 2015-16 में 2000 युवाओं को क्या किया गया है, प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें विभिन्न तरीके के क्रियान्वयन सम्मिलित हैं, जिसमें 800 बुनकरों में 2000 लोगों को प्रशिक्षण की सुविधा देके उनके विकास में एक अहम भूमिका का निर्वहन किया गया है। तो मानव संसाधन विकास संस्थान में 200 युवाओं के प्रशिक्षण देने से उन उद्योगों में एक अग्रणी योगदान में इनकी रही है। तो सरकार भी निरंतर क्या कर रही है, इसमें प्रयासरत कर रही है। तो मानव संसाधन विकास संस्थान। अगला है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2010। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2010। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, हमने पूर्व के वीडियो में हमने चर्चा की थी कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना क्या है, जो कि इसमें भी एक सही तरीके से लगभग 2015 में नवंबर 2015 लगभग 188 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 22,692 करोड़ रुपये निवेश दिए गए। 22,996 करोड़ रुपये का क्या किया गया था, निवेश किया गया। इसमें निवास पे भी एक अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया गया। एक ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, गैर कृषि ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से लघु उद्योगों के बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका रही, जिसमें रूड़ा क्षेत्र सम्मिलित है, जिसकी स्थापना 1995 में एक स्वतंत्र अभिकरण के रूप में की गई। तो ये भी एक सही तरीके से, जिसमें विभिन्न प्रकार के नवाचारों को भी सम्मिलित किए गए। सरकार के द्वारा विभिन्न नवाचार के माध्यम से भी इन उद्योगों को निरंतर बढ़ावा मिल रहा है। तो हम इस प्रकार विभिन्न नवाचार में विभिन्न उद्योगों में एक रिको, रासिको, खादी ग्रामीण उद्योग, कुटीर उद्योग आदि विभिन्न प्रकार की योजनाएं इनको दी गई हैं। एक भी है प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में भी इस योजना में विभिन्न प्रयास किए गए हैं। तो लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ देते हुए सरकार ने निरंतर प्रयत्नशील एवं प्रयास भी किए, जिसमें मिनी खादी क्लस्टर योजना सम्मिलित है। मिनी खादी क्लस्टर योजना को भी इसमें शामिल किया गया है, जिसमें मिनी खादी क्लस्टर योजनाओं में विभिन्न प्रकार की योजना एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वयन किया है। तो इस प्रकार राजस्थान में लघु उद्योगों के विकास के लिए भी सरकार निरंतर प्रयासरत है।
और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चला रही है, जिससे आगे इन उद्योगों के विकास, उनके बढ़ोतरी में अहम भूमिका का निर्वहन हो सके, उनको विभिन्न प्रकार की फंडिंग देके, विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ देके इन उद्योगों में निरंतर प्रयास की ओर अग्रसित किया जा रहा है, जिसमें सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों और ग्रामीण उद्यमिता, रोजगार और विभिन्न प्रशिक्षण और विभिन्न प्रकार के आयामों को इसमें शामिल किया गया है। तो इस प्रकार राजस्थान निवेश प्रोत्साहन, मानव संसाधन संस्थान और भी विभिन्न प्रकार की सरकार के द्वारा दी जाने वाली योजनाओं को निरंतर लाभान्वित किया जा रहा है। तो हमें राजस्थान में लघु और कुटीर उद्योग की हम बात करें तो राजस्थान में लघु कुटीर उद्योग के विकास के लिए एक निरंतर एक अग्रणी भूमिका के रूप में, एक अग्रणी विकास में एक सहायक क्रियान्वयन का क्रियान्वयन करती है, जो कि एक महत्वपूर्ण रूप से भूमिका है। तो हम इसी क्रम में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान में लघु कुटीर उद्योग का महत्व है, ये कौन कौन सी उसकी सीमाएं हैं और उनकी समस्याओं को समाधान हमें किस प्रकार से कर सकते हैं। तो वो हम अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान में लघु व कुटीर उद्योग की कौन कौन सी समस्याएँ हैं और उनके सुझाव हेतु सरकार ने कैसे कैसे प्रयास किए हैं। तो इस प्रकार हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे राजस्थान में लघु कुटीर उद्योग की समस्याएं, उसके समाधान हेतु सुझाव। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे कि राजस्थान में लघु व कुटीर उद्योगों की कौन कौन सी समस्या रही, जिसमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, पूंजी का अभाव, कुशल प्रबंध संगठन का अभाव, और इसको किस प्रकार से उनको क्या किया जा सके, उनका समाधान किया जा सके। तो वो हम अगले वीडियो में मिलेंगे कि राजस्थान में लघु व कुटीर उद्योग की कौन कौन सी समस्या रही है, उनका किस प्रकार से समाधान करना है। ये इस राजस्थान में लघु कुटीर उद्योग के चैप्टर में, वो चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टरों में माना जाता है। तो हम अगले वीडियो में राजस्थान में लघु व कुटीर उद्योग की समस्याएं, उनको समाधान हेतु सुझावों के बारे में चर्चा करेंगे। तो उसमें कौन कौन सी हैं, जिसमें लघु कुटीर उद्योग के बारे में हमने विभिन्न प्रकार की, आज के वीडियो में विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में और लघु कुटीर उद्योग की राजस्थान में क्या भूमिका रही, उनके बारे में हमने संक्षेप में चर्चा करी। तो आपके एग्ज़ाम में या इनके एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन है, वो तीन क्वेश्चन बने कि राजस्थान में लघु व कुटीर उद्योग की भूमिका और राजस्थान में लघु कुटीर उद्योग की सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजना या सरकारी कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को इसमें शामिल किया गया। तो राजस्थान में लघु, तीसरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान में लघु कुटीर उद्योग की कौन कौन सी समस्या रही, उनको किस प्रकार से उनका समाधान करना है, वो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।